हेलो दोस्तों, आई एम मोहित। टुडे आई विल टेल यू हाउ आई पेंट माय पेंटिंग्स एंड अदर आर्ट वर्क्स। लेट्स स्टार्ट विद मी। सबसे पहले शुरू करते हैं हम एक्रेलिक कलर से, जो कि मैं कैमल ब्रांड के आर्टिस्ट क्वालिटी के यूज़ करता हूँ, जो मार्केट में इजीली अवेलेबल है। मैं जनरली कैमल और लिक्विटेक्स एंड फेविक्रिल ब्रांड के एक्रेलिक कलर्स यूज़ करता हूँ। सबसे ज़्यादा जो कॉमनली अवेलेबल है वो फेविक्रिल और कैमल है। एक्रेलिक्स कलर्स को बनाने के लिए हमें बेसिकली कैनवस क्लॉथ की ज़रूरत पड़ती है, जिसको हम प्राइम करते हैं। बेसिकली कैनवस बोर्ड्स भी अवेलेबल है मार्केट में, जिनको पाइन वुड से कवर किया जाता है, जो कि इस तरह से है। इस पे बेसिकली हम कपड़ा चढ़ाते हैं और जिसको स्टेपलर से माउंट किया जाता है। एक्रेलिक्स पेंट के लिए हमें फ्लैट ब्रशेज की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, जो कि सिंथेटिक हेयर की होती है। इसमें मैं मोस्टली फेबर कैसल और कैमल और ब्रुस्टरो ब्रांड की यूज़ करता हूँ। मैं सबसे ज़्यादा इजीली जो अवेलेबल है वो कैमल ब्रांड की है। इसमें हम फैन ब्रशेज भी यूज़ करते हैं, जिससे हम पीछे की शेड्स और लीव्स बनाने के लिए यूज़ करते हैं इसको। एक्रेलिक्स कलर के साथ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसको मिक्स करने के लिए हमें वाटर की ज़रूरत पड़ती है। बेसिकली इसके लिए अदर मीडियम्स भी अवेलेबल है, बट इफ़ यू वॉन्ट टू मेक एक्रेलिक पेंटिंग यू कैन यूज़ वाटर। दिस इज लैंग्रिज सॉल्वेंट, आई यूज़ दिस फॉर ऑयल पेंटिंग्स। और ये कैमल की स्पेशल वाटर प्रूफ इंक है, इससे हम स्केचिंग करते हैं और ब्लैक इंक वाली पेंटिंग्स बनाते हैं। ये मेरा पेन स्टैंड है, जो मैंने पार्लियामेंट ऑफ इंडिया से लिया था। एंड दीज आर स्केचिंग पेन्स, फाइन लाइनर्स, विच आर इजिली अवेलेबल इन लोकल मार्केट एंड ऑन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। माइक्रोन एंड दिस वन इज फाइन लाइनर, आई डोंट नो विच ब्रांड इज दिस। और दीज आर फैब्रिक कलर्स, आई यूज़ दीज फॉर पेंटिंग ऑन शर्ट्स, टी शर्ट्स। एंड दिस इज माई मिसलिनियस ट्रे, आई कीप माई मिसलिनियस और टूल्स इन दिस वन, लाइक कटर, रफ कैनवस क्लॉथ्स, थ्रेड फॉर हैंगिंग माई पेंटिंग्स। एंड दीज आर माई ऑयल कलर्स, आई डोंट यूज एनी इम्पोर्टेड और अदर ब्रांड्स, आई यूज सिंपल कैमल ऑयल कलर्स, जो लोकल मार्केट में बिल्कुल इजीली मिल जाते हैं। सबसे बेसिक ऑयल कलर चाहिए व्हेन यू आर स्टार्टिंग ऑयल पेंटिंग। और इन्हीं कलर को यूज़ करके मैंने प्रिंसेस डायना की पेंटिंग बनाई है। दीज आर माय परमानेंट मार्कर्स, दीज आर माय वाटर कलर्स, एंड दिस वन इज वेरी कॉमन एंड चीप वाटर कलर केक। इसके बारे में आप सभी जानते हैं, ये बिल्कुल हर वाटर कलर आर्टिस्ट के पास ये मिलेंगे, क्योंकि इनको कहीं पे कैरी कर सकते हो, आप बैग में डाल के कहीं पे ले जा सकते हो। दिस वन इज़ फॉर पेस्टल एंड दिस वन इज़ फॉर एक्रेलिक कलर्स। दिस वन इज़ फ्रॉम डालर एंड राउनी एंड दिस इज़ फ्रॉम ब्रुस्टरो, आई लव दिस ब्रांड। दिस इज़ एक्रेलिक सीलर, इसको एक्रेलिक पेंट करने के बाद एक्रेलिक पेंटिंग्स को प्रिजर्व करने के लिए यूज़ किया जाता है। एंड दिस वन इज़ स्प्रे पेंट, आई हैव अदर शेड्स इन दिस। दिस वन इज़ ब्लू, बट डोंट यूज दीज विदाउट मास्क, दीज आर वेरी टॉक्सिक फॉर योर हेल्थ। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, एक्रेलिक कलर ब्रशेज को वॉश करने के लिए आपको सिर्फ नॉर्मल वाटर की ज़रूरत पड़ेगी, यू डोंट नीड एनीथिंग एल्स। हाँ, अगर ब्रशेज ज़्यादा ड्राई हो चुकी है तो उसके लिए आप टर्पेंटाइन ऑयल का यूज़ कर सकते हैं। एंड दिस इज टेराकोटा कप एंड आई कीप ऑयल पेंटिंग ब्रशेज इन दिस, जिसको मैं टर्पेंटाइन ऑयल से वॉश करता हूँ। एंड दिस इज़ माई अनदर ब्रश स्टैंड, यहाँ पे मैं अपनी मिनीचर पेंटिंग की ब्रशेज और फैन ब्रशेज और बिल जितने भी थिन ब्रशेज हैं मैं उनको यहाँ रखता हूँ। एंड दिस इज़ माई स्पेशल इसको मैं फेंक देता हूँ। इसके बाद मैं यूज़ करता हूँ मैं कैमरा, ये सिर्फ डेकोर पर्पज़ के लिए है। दिस इज़ माई स्टूडियो टेबल, आई यूज़ दिस टेबल फॉर पेंटिंग, ड्राइंग एंड ड्राफ्टिंग माई प्रोजेक्ट्स। और इस टेबल पे मैंने ओवरहेड पेंटिंग के लिए, उनको रिकॉर्ड करने के लिए मैंने एक मोबाइल स्टैंड को मैंने इंस्टॉल किया है। दिस मेक्स माई लाइफ ईजी वाइल रिकॉर्डिंग माई पेंटिंग्स एंड अदर प्रोजेक्ट्स। एंड दिस इज़ माई लैपटॉप फॉर एडिटिंग वीडियोज। दिस इज़ माई डिस्प्ले टेबल, यहाँ पर मैं सारे अपने पेंट्स और ब्रशेज और जितने भी टूल्स हैं मैं उनको यहाँ पे अरेंज करके रखता हूँ। इससे मेरे लिए इजी होता है उनको टाइम पे ढूंढना।
दीज आर माई एक्रेलिक कलर्स एंड दीज आर अगेन डेकोर पीसेज। ये मेरा छोटा सा अवार्ड है जो मैंने कॉलेज में पोस्टर मेकिंग कॉम्पिटिशन में जीता था। पैलेट नाइफ्स, इनका मोस्टली यूज ऑयल पेंटिंग्स और एक्रेलिक पेंटिंग्स में यूज किया जाता है। इनके लिए अलग टेक्निक्स यूज होती है। एंड दिस वन इज माई वुडन पैलेट। और मेरी जो सबसे ज़्यादा यूज की जाने वाली पैलेट है वो ये प्लास्टिक वाली है जो बिल्कुल मैसी हो चुकी है, इसमें पता नहीं क्या खिचड़ी पकी हुई है। दीज आर माई मेजरमेंट टूल्स, आई यूज देम फॉर कटिंग पेपर एंड मेजरिंग कैनवस क्लोथ एंड अदर थिंग्स। एंड दिस इज अगेन मिसलेनियस बॉक्स फॉर माई पेंसिल, स्मॉल पेंसिल, आई डोंट थ्रो माई यूज पेंस और पेंसिल। एंड दिस इज माई चारकोल बॉक्स, आई रब चारकोल इन दिस ऑन सैंड पेपर एंड मेक पाउडर ऑफ इट एंड अप्लाई ऑन सर्फेसिस। लेट मी शो यू। Like this. And these are my charcoal tools. Camel charcoal. सबसे ज़्यादा मैं इसी को यूज़ करता हूँ। आई थिंक इसकी कॉस्ट 20 रुपीज़ है जो बिल्कुल ईजिली अवेलेबल है। यू डोंट नीड टू बाई एनी फैंसी charcoal stuff. And this is cutter for sharpening my pencils. I don't use sharpener that much. I am habitual of this cutter. और ये ब्लेंडिंग टूल्स हैं, मैंने तो कभी यूज नहीं किया, यूट्यूबर्स को देख के मैंने खरीद लिए थे कूल लगने के लिए। और सबसे अमेजिंग बात बताऊंगा मैं आपको, अगर आप चारकोल या ग्रेफाइट यूज कर रहे हैं उसको इरेज करने के लिए, आप ये इरेजर यूज करते हो, मोनोजीरो टॉमबॉय मोनोजीरो इरेजर। मैंने इसको 2019 या 18 में खरीदा था, इट कॉस्ट मी अराउंड 800 रुपीज। लेकिन इससे बेटर सब्सटीट्यूट है और इससे बहुत ज़्यादा अच्छा, ये नटराज की इरेजर जो 1 रुपये की मिलती है मार्केट में। तो डोंट बाय दीज स्टूपिड थिंग्स, यूज दिस इरेजर ओनली। और ये वुड लॉग्स हैं जिनको मैं एक्रेलिक पेंटिंग्स बनाने के लिए यूज़ करता हूँ, जैसे कि छोटे छोटे आर्ट वर्क्स। इस पर ये लेडी बर्ड बनाया मैंने, इस पर एक रूम का सीन है, और ये थोड़ी अच्छी नहीं बनी, पिज्ज़ा बनाने की कोशिश की थी, और इस पे मैं कुछ एक नया आर्टवर्क बनाने जा रहा हूँ, वो आपको 2-4 दिन में चैनल पे मिल जाएगा। और ये मेरे स्केच पैड्स है, ये पेपर है जिनको मैं कट करके स्केच पैड की तरह यूज़ कर लेता हूँ। इस पे मैं बॉल पेन से ड्राइंग बनाऊँगा, और इस पे मैं अमरीश पुरी साहब की पेंटिंग्स बना रहा हूँ, चारकोल स्केचेस सॉरी, जो कि पूरी सीरीज होने वाली है। सारी ड्राइंग्स इसमें अमरीश पुरी साहब की होगी सिर्फ चारकोल से। और इसमें मैं अपने फॉलोवर्स जो जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे उनकी मैं ड्राइंग बनाने वाला हूँ इसमें। और इसमें मैं डेली का अपना जो मेरी आर्ट सप्लाई है उसकी रिक्वायरमेंट होती है वो इसमें लिखता हूँ मैं। इसमें मैं एनाटॉमी की प्रैक्टिस करता हूँ, मैंने एनाटॉमी की जो भी है, कभी कुछ मेरे को देखना हो रिवाइज करना तो मैं यहाँ से देख के करता हूँ दोबारा से। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं बैकग्राउंड के बारे में। मैं अपने बैकग्राउंड में ये रैक्स यूज़ करता हूँ जिसपे मैंने अलग अलग स्टाइल के डेकोर पीसेज रखे हुए हैं। दीज आर सेरामिक वॉसेज, आई यूज देम लाइक अ ब्रश होल्डर। दीज आर हैंड पेंटेड वॉसेज। और ये रेजिन आर्ट वर्क्स है, इनको मैंने एज ए डेकोर यूज़ किया हुआ है। मैंने कुछ बुक्स भी रखी हुई है बैकग्राउंड में जिनको मैं फ्री टाइम में पढ़ता हूँ या उनको देख के मैं प्रैक्टिस करता हूँ। एंड दिस इज हैंडमेड आर्टिफिशियल ट्री। हाँ, ये आर्टिफिशियल ट्री मैंने लास्ट ईयर बनाया था, इसमें मैंने फोलन गवावा ट्री की जो वुड होता है उसको यूज़ किया है, और नीचे इसको कोयर रोप से मतलब डेकोर किया है मैंने इसको। एंड दीज आर अगेन रेजिन आर्ट वर्क। और ये मेरे बॉक्सेस हैं जिसमें मैं अपना मिसलिनियस सामान रखता हूँ, जैसे कि मेरे मोबाइल के कवर हो गए, कुछ भी पेंट करने के लिए जैसे इन पे मैं पेंट करता हूँ मोबाइल के कवर्स पे, और वाटर कलर सामान। और ये स्किन टिंट पेंसिल है, मैंने इनको काफ़ी कम यूज़ किया है, इनकी शेड अच्छी है बट इनकी एक प्रॉब्लम है, ये बहुत जल्दी टूट जाती है। एंड दिस इज़ अगेन माय डेकोर बॉक्स, इसमें मैंने टी लाइट कैंडल्स, लाइट्स, क्राफ्ट का सामान, सारा क्राफ्ट का सामान रखा हुआ है।
और ये मैं रंगोली बनाने के लिए यूज़ करता हूँ सारा, क्राफ्टी, थोड़ा सा क्राफ्टी हो गया ये, इसमें लाइट्स भी हो गई, लैंप हो गए। चलिए अब चलते हैं मेरे गैलरी सेक्शन में। यहाँ पे मैंने सबसे पहले एक्रेलिक पेंटिंग बनाई है जो मैंने पैलेट नाइफ यूज़ करके बनाई थी। पैलेट नाइफ टेक्निक्स के बारे में मैं आपको आगे बताऊँगा। और ये मेरा सेल्फ पोर्ट्रेट है जिसको मैंने हाफ डार्क और हाफ लाइट बनाने की कोशिश की थी। आई मेड दिस पोर्ट्रेट इन 2018 और ये पेंटिंग मैंने 2019 में बनाई थी। ये एक पेस्टल शीट है, उसके ऊपर मैंने सॉफ्ट पेस्टल्स को यूज़ किया है, सॉफ्ट पेस्टल्स से बनाई मैंने, जो कैमल और अदर ब्रांड्स के भी आते हैं। एंड दिस इज़ माई इमेजिनरी वर्क, ये मैंने कैनवस पे बनाया है यूजिंग एक्रेलिक पेंट्स। और ये मेरी पेंसिल कलर ड्राइंग है, ये मैंने कोई मॉडल है उसकी बनाई थी। और ये फिर से चारकोल है, जब मैं चारकोल की प्रैक्टिस करता था, स्टार्टिंग की थी, तो ये मेरा फर्स्ट पोर्ट्रेट था। ये पेंटिंग मैंने ऑयल पेस्टल से बनाई है, जो जिनको हम क्रेयॉन्स भी बोलते हैं, जो बच्चों के कलर होते हैं इसमें। बट एक चीज़ बहुत अच्छी है इसमें, जो वो होता है ना वाइब्रेंस, वो बहुत अच्छी है इसकी। ये सॉफ्ट पेस्टल से बनाई है मैंने, ये फिर से इमेजिनरी वर्क है, इसको मैंने एक्रेलिक पेंट से बनाया है, वो भी इमेजिनरी वर्क है, जिसमें मैंने एक ड्रीमी लैंडस्केप बनाने की कोशिश की थी मेरे पुराने यूट्यूब चैनल पर। और ये चारकोल पेंटिंग है, इसको मैंने डिस्प्ले भी किया एक दो बार गैलरी में। ये फिर से चारकोल वर्क है, ये भी चारकोल वर्क है, ये चारकोल वर्क है, इसके अंदर मैंने पेंसिल कलर्स यूज़ किए हैं, इसकी मतलब थोड़ी सी लाइफ दिखाने के लिए, जैसे ब्लैक एंड वाइट लाइफ है दुनिया, उसके बीच में एक हार्ट में कलर फिल किया है जिससे चीज़ें थोड़ी पॉप आउट हों। ये वाटर कलर पेंटिंग है, ये एक्रेलिक्स में है, ये भी एक्रेलिक्स में, और ये लड़की की भी एक्रेलिक्स में है। ये घड़ी मैंने खुद बनाई थी सनमाइका और वुड को यूज़ करके, ये डेकोर पीस है, ये मैंने मार्केट से लिया था चांदनी चौक से। एंड दिस इज़ ऑयल पेंटिंग जो अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है, जैसे ही टाइम मिलेगा सबसे पहले इसको कंप्लीट करेंगे, इसके बाल पेंडिंग अभी। और एक ये स्टिल लाइफ पे वर्क कर रहा हूँ जो अभी तक पेंडिंग है, इसके लिए मैं छोटा सा ईजल यूज़ करता हूँ, आप देख सकते हो, इसको कहीं पे भी कैरी कर सकते हैं, ईजी टू कैरी। और ये छोटे छोटे जो कैनवासेस बच जाते हैं ना, उनके पीसेस को मैं स्क्वायर में कट करके उनके ऊपर टेक्निक्स की प्रैक्टिस करता हूँ, ताकि कोई भी कैनवास या पेपर वेस्ट ना जाए। तो इस पे मैं ड्राइंग की मतलब पेंटिंग करने की प्रैक्टिस करता रहता हूँ, यूट्यूब वीडियोस देख के भी और खुद से भी। और ये बुद्धा के डेकोर पीसेस हैं। एंड दीज टू पेंटिंग्स आर वेरी स्पेशल। इनमें क्या है, जो इसका बैकग्राउंड है वो ब्लैक शीट है, इस पे मैंने ग्लास मार्किंग पेंसिल को यूज़ किया। और ये वाटर कलर पेंटिंग है, और जो ये दो पेंटिंग है इसको मैंने ब्लैक पेस्टल शीट पे बनाया है। इसके लिए हम ग्लास मार्किंग पेंसिल यूज़ करते हैं, जो वाइट, येलो, ग्रीन, अदर कलर्स में भी आती है, बट इसमें कॉन्ट्रास्ट करने के लिए आई यूज्ड ओनली टू कलर्स, ब्लैक पेस्टल शीट विद वाइट पेस्टल पेंसिल, ग्लास मार्किंग पेंसिल सॉरी। और वो मेरा फर्स्ट पोर्ट्रेट था। और ये फाइल्स मैं अपनी ड्राइंग शीट्स को सेव करने के लिए रखता हूँ। ये मैंने पोर्टी पे बनाई है, इसको भी मैं पोस्ट करूँगा बहुत ही जल्द। इसमें अलग अलग आर्टवर्क्स हैं जिनको मैंने कवर करके रखा हुआ है, ये लाइव स्केचिंग करी है जबकि है। चलिए मैं आपको अपने कुछ आर्टवर्क्स दिखाता हूँ जो चारकोल मीडियम में है और अनफ्रेम्ड है, आप इनका साइज और डिटेल समझने की कोशिश करना। लेट मी शो यू माई गैजेट्स कॉर्नर। यहाँ पे मैं अपने सारे गैजेट्स को रखता हूँ, जैसे कि मेरे हेडफोन, ये म्यूजिक सिस्टम, माई डेकोर पीसेस, माइक, माई कैमरा और कैमरा के लिए स्टैंड, बैकग्राउंड के स्टैंड, ये हेयर ड्रायर जिससे मैं अपनी एक्रेलिक पेंटिंग्स को ड्राई करने के लिए यूज़ करता हूँ, माई ट्राइपॉड्स, चार्जर्स, लैपटॉप, कैमरा बैग, स्पीकर्स, हाँ, और मैंने कुछ कैनवस फ्रेम्स को यहाँ पे रखा हुआ है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है लाइट, एंड आई एम यूजिंग दीज लाइट्स। और स्टूडियो लाइट्स भी है मेरे पास, एक वहाँ पर है, और ये फोकस लाइट है, आप देख सकते हो पास से। और मैंने कुछ पेंटिंग्स को यहाँ भी माउंट किया हुआ है, और वो चारकोल पेंटिंग है।
एंड दिस इज माई ड्रॉइंग स्पेस। दिस इज माई ड्रॉइंग एरिया। आई यूज दिस टेबल फॉर डूइंग माई स्केचेस एंड ड्रॉइंग्स। आई मेक पोर्ट्रेट्स एंड ड्रॉइंग एवरीथिंग ऑन दिस टेबल। ये मेरी अलमीरा जहाँ पर मैं अपनी बुक्स और रिसर्च की बुक्स और मैं अपनी स्टडी की जो बुक्स होते हैं उनको मैं यहाँ रखता हूँ। यहाँ पर मेरा सारा टैटू मेकिंग का सामान है। यहाँ पर मैं अपनी पेंसिल्स जो आर्ट सप्लाईज मैं यूज़ नहीं करता रेगुलर बेसिस पे, जैसे कि पेंसिल कलर्स, पॉलीक्रोम पेंसिल बाय फाबर कैसल, वो सब मैं यहाँ रखता हूँ। अपने सॉफ्ट पेस्टल, जो सामान मुझे ऐसा लगता कि रेगुलर यूज़ में नहीं है और कोई उसको डैमेज कर देगा तो उसको मैं यहाँ रखता हूँ। यहाँ पे कुछ डायरीज बस। और जब मुझे नेचुरल लाइट में ड्राइंग करनी होती है मैं इसको हटा के मैं यहाँ बैठ के ड्राइंग करता हूँ। और ये कुछ डेकोर पीसेज हैं और ऊपर आप देख सकते हैं एक पेंटिंग जो मैंने स्टेपलर पिन से बनाई है ऑन वुड, और बैकग्राउंड में मैंने ब्लैक एक्रेलिक पेंट यूज़ किया है और इसको मैंने एज ए डेकोर रखा हुआ है यहाँ पे। तो गाइज ये हमारा स्टूडियो टूर था। नेक्स्ट वीडियो में जो भी चीज़ मिसिंग है या जो भी टॉपिक पेंडिंग रहता है, आपकी क्वेरीज हैं, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। चलिए अब सोने का टाइम हो गया, गुड नाइट।